रविवार को सेक्टर 10 में आयोजित मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुक्तकंठ सम्मान 2024 का सम्मान जाने माने समाजसेवी, कथाकार, लेखक, साहित्यकार व व्यवसायी कैलाश कुमार जैन बरमेचा को प्रदान किया गया। साहित्यिक विधा से संबंधित मुक्तकंठ साहित्य समिति के द्वारा मुक्तकंठ साहित्य सम्मान उन कथाकारों व साहित्यकारों को दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में व लेखन के क्षेत्र में लोहा मनवा चुके होते हैं। इस वर्ष मुक्तकंठ साहित्य समिति ने एक ऐसी शख्सियत को सम्मानित किया जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। गौरतलब है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन सेक्टर 10 में किया गया। सम्मान समारोह विधिवत दीप प्रज्वलित कर व स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुक्तकंठ साहित्य के अध्यक्ष व साहित्यकार गोविंद पाल ने की। वहीं पुलिस अधीक्षक सीआईडी नरेंद्र कुमार सिक्केवाल भी इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। गौरतलब है कि इस वर्ष मुक्तकंठ साहित्य सम्मान 2024 कथाकार कुशल व्यवसायी, समाज सेवी, लेखक व साहित्यकार कैलाश कुमार जैन बरमेचा को प्रदान किया गया। शॉल श्रीफल देकर कैलाश कुमार जैन बरमेचा को सम्मानित यहां पर किया गया। कैलाश कुमार जैन बरमेचा कुशल व्यवसायी हैं। अनेकों व्यापार कैलाश जैन बरमेचा की संस्था बरमेचा फर्म के द्वारा फल फूल रहा है। बरमेचा एलिवेटर, बरमेचा टेक्सटाइल सहित अन्य अनेकों व्यापार कुशलता पूर्वक वे कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लेखन व कथाकार के रूप में भी उन्होंने उपलब्धियाँ बटोरी है। वरिष्ठ लेखक व आर्टिकल्स डिजाइनर के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय हैं। सेक्टर 10 में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद पाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेंद्र कुमार सिक्केवाल, पुलिस अधीक्षक सीआईडी और वरिष्ठ साहित्यकार व संरक्षक मुक्तकंठ साहित्य समिति रौनक जमाल, उर्दू और हिंदी के वरिष्ठ कथाकार, बाल साहित्यकार और प्रसिद्ध शायर और रजनीकांत श्रीवास्तव पूर्व अध्यक्ष मुक्तकंठ साहित्य समिति उपस्थित रहे। इस दौरान आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान भी शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनका व्यक्तित्व एवं साहित्य विषयक जानकारी साझा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कैलाश कुमार जैन बरमेचा ने कहा कि संस्था द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वह पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रथम सत्र में आलोक कुमार उपाध्यक्ष मुक्तकंठ साहित्य समिति और प्रकाश चंद मंडल कोषाध्यक्ष मुक्तकंठ साहित्य समिति ने किया। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी शामिल लोगों ने दी। समिति का गठन 18 जनवरी 1997 को भिलाई में ही हुआ था और उस समय हम लोग कुछ मुट्ठी भर लोग इसके शुरुआत किए थे। उसमें ओम प्रकाश शर्मा जी थे, हमारे शरद पांचाल जी थे और उमित दीक्षित, दुलाल समाददार शुरुआती दौर में जुड़े हुए थे। इसके बाद निरंतर हम लोग इसका कार्यक्रम करते गए, साहित्यिक आयोजन करते रहे, बहुभाषी आयोजन भी करते रहे। इस तरह से कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। इस बीच हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाए, हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी जो आज महासचिव थे जो ख़त्म हो गए, तो वो हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया पूरा राष्ट्रीय स्तर पर। विगत 97 से दो तरह के हम लोग आयोजन करते थे, पूरा प्रतिभा खोज, उसमें दो तरह के आयोजन में हम लोग प्रतियोगिता आयोजित करते थे, जो जुवेनियल मतलब बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए, उसमें कविता प्रतियोगिता आयोजित करते थे। उस कविता प्रतियोगिता में हम लोग बड़े बड़े जज को बुलाते थे, जैसे पत्रकार थे रमेश नैयर जी, गिरीश पंकज जी और सत्यनारायण शर्मा जी हमारे शिक्षा मंत्री, वो भी आते थे और उनके प्रतियोगिता एक जज के माध्यम उसको निर्णायक गणों से उसके निर्णय करके उनको मंच में उनको सम्मानित करते थे। प्रतिभा इस समिति में जुड़े हुए पूरा हिंदुस्तान के, जैसे बेंगलोर है और मध्य प्रदेश, नाम बताएंगे हाँ, एक दो का नाम बताएंगे, एक दो का नाम जैसे डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी है, ग्वालियर से सीता चौहान है और कर्नाटक से भी हमारे एक जैन साहब है और हर जगह से हमारे राजीव जी मध्य प्रदेश से है, भोपाल से घनश्याम मैथिल अमृत जी है। बहुत समय से जुड़े थे वो साहित्य से, तो बहुत समय से जुड़े थे और बहुत समय से जुड़े थे साहित्य से
और वो तो अलग अलग बहुत सी जगह जुड़े थे साहित्य से और अपना वकालत भी कर रहे थे। कितना समय निकाल पाते थे? करते थे वो, जब भी उनको समय मिलता था योगदान देते ही थे अपना, और काम करते ही रहते थे वो, बहुत बिजी होने के बाद भी काम करते थे। आज उनके शब्दों को यहाँ पर दोहराया जा रहा था जी। हाँ, पूरा हो रहा है और होता भी रहेगा आगे। एक मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मुक्तक इस संस्था के उद्देश्य को बताने के लिए पर्याप्त है। यहाँ का हर व्यक्ति, यहाँ का हर साहित्यकार अपने मन में उसी ऊर्जा के साथ में इस समिति के साथ जुड़ा हुआ है। वह है कि उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में, उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में हर शिखा को तृप्त करना चाहता हूँ। मनुष्य से कंधा मिलाकर शक्ति का आह्वान करना चाहता हूँ। मैं चाहता वीरान में मधुमास हो, आदमी को प्यार को उपहार दूँ। भूख, बेकारी, गरीबी, गंदगी को आदमी से दूर करना चाहता हूँ, आदमी से दूर करना चाहता हूँ। हमारे मुक्तगढ़ संस्था के महासचिव श्री ओम प्रकाश शर्मा जी थे, गोंजपाल जी हैं, हमारी वीना सिंह मैडम यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। सभी का उद्देश्य यही है कि ये संस्था किस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में अपनी भाषा, अपने शब्दों के माध्यम से उन वेदनाओं को प्रदर्शित करे जो समाज व्याप्त है, उन कुरीतियों को दूर करे जो समाज व्याप्त है, उन लोगों की मूक लोगों की भाषा बने जो अपनी बात को लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और इस संस्था के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी भाषा को, अपनी संवेदना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर आके खुले मन से करते हैं और अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन सब के लिए वीना सिंह रागी मैडम का बहुत प्रयास सराहनीय है, हमारे गोविंदपाल जी उसी के लिए लगे रहें और आज नए रूप में हमारे भरमेजा जुड़े हैं, इसके लिए यह संस्था निश्चित रूप से एक आगे एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे महासचिव ओम प्रकाश शर्मा जी थे, उनकी याद में इस मुक्तकंठ के एक विशेष अंक का प्रकाशन किया गया था, जिसमें एक सामान्य मान्यता है कि जो व्यक्ति नहीं है तो उसकी स्मृतियों का संकलन कैसे किया जाए, उसकी भाषा, उसकी उपलब्धि कैसे देखा जाए। तो ओम प्रकाश जी शर्मा की अनुपस्थिति के पश्चात ओम प्रकाश शर्मा की उपस्थिति के लिए यह जो मुक्तकंठ का विशेषांक है वो इस बात को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि ओम प्रकाश जी हमारे बीच में है, इस शब्द के रूप में है, इस साहित्य के साथ विद्यमान है। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य बताती हूँ। आज के कार्यक्रम का हमारा दो मुख्य उद्देश्य था। प्रथम कि दिवंगत ओम प्रकाश शर्मा जी जो यहाँ के महासचिव थे जिनका देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि देना था और हमने एक बुलेटिन निकाला उनके नाम से। और दूसरा हमारे कैलाश जैन बरमेजा जी को हम लोगों ने प्रमुख संरक्षक नियुक्त किया है, उसके लिए कार्यक्रम किया गया था। और मैं बता दूं कि उनका एक जो लेख पढ़ रहे थे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों में मैं उनके चरणों में, ओम प्रकाश शर्मा जी के चरणों में चंद मिश्रे रखती हूँ। फुरकत एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है वियोग, कि हर्फ 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 हर मिश्रा बेमिसाल लगता है, यह तो उनकी फुरकत का ही कमाल लगता है, यह तो उनकी फुरकत का ही कमाल लगता है। और मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, बड़ा पेचीदा ये सवाल लगता है, बड़ा पेचीदा ये सवाल लगता है। और हमारे बमरेचा साहब ने दो शब्द अपने उद्बोधन में सिर्फ दो पंक्तियाँ बोली, उनको मैं चार पंक्तियाँ देती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहू तो मुझे उत्तर देना आता है। कहती हैं, मुक्तकंठ साहित्य समिति के बने आप शान हैं, मुक्तकंठ साहित्य समिति के बने आप शान हैं, आन बान और मान है। मुक्तकंठ की स्वर लहरी में गूंजे सदा आपका स्वर, मुक्तकंठ की स्वर लहरी के संग गूंजे सदा आपका शर, आप सुर साज और तान है, आप सुर साज और तान है। मैं डॉक्टर वीना सिंह रागी स्वतंत्र। कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन का संचालन वीना सिंह रागी वरिष्ठ कवित्री और उपाध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।